इनको जो रिजेक्टेड माल है जो साथी से जी जाता है उसको हाईजेक कर लेते हैं। ये है झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, जो जामताड़ा से पिछले दो बार से विधायक हैं और इस बार भी इन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। नेताजी जो बातें कह रहे हैं वो अपने प्रतिद्वंदी सीता सोरेन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस बार इन महोदय का मुकाबला इनसे ही होने जा रहा है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही उम्मीदवार भी एक दूसरे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जामताड़ा का है, जहां इस बार बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को मौका दिया है। उधर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक इरफान अंसारी को यहां से टिकट दिया है। इस बीच इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ विवादित बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। इनको जो रिजेक्टेड माल है जो साथी से जी जाता है उसको हाईजेक कर लेते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीता को रिजेक्टेड माल बता दिया है, जिसके बाद से बीजेपी और खुद सीता सोरेन उन पर हमलावर है। सीता सोरेन ने उनसे माफी मांगने की बात कही है। सीता सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बोलते हुए वे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान का है। सीता सोरेन ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने मेरे लिए जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघी हैं। इरफान जी माफी मांगिए, वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। ऐसा सम्मानित पद पर रहकर आपने जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसने पूरे महिला समाज को भयभीत कर दिया है। अगर आप मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरीब और असहाय महिलाओं पर क्या बीतती होगी। ऐसे नेता जब तक सत्ता में रहेंगे महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। अब इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आप महिलाओं को किस नजर से देखते हैं यह आज जनता के सामने है और जनता इसका जवाब देगी। इधर बीजेपी ने भी इस बयान को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। झारखंड बीजेपी के एक्स हैंडल से कहा गया, शर्म करो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का भाजपा नेत्री और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल कहना इंडी गठबंधन के घटिया संस्कारों को दर्शाता है। अब आप ही सोचिए कि ये ठगबंधन वाले अगर महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द उपयोग करते हुए नहीं सोचते तो इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई होगी। बता दें कि सीता सोरेन और इरफान अंसारी की टक्कर जामताड़ा विधानसभा सीट पर पहली बार हो रही है। इरफान अंसारी जहां इस सीट से साल 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं, तो वहीं सीता सोरेन इस सीट से पहले जामा विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वे पाला बदलकर बीजेपी के खेमे में आई थी। दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गईं। बीजेपी ने उनकी विधानसभा सीट बदलते हुए इस बार उन्हें जामताड़ा से टिकट दिया है।